आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग हेडिंग टैग के बारे में सीखेंगे। हेडिंग टैग मीन्स एच वन टैग से लेकर एच सिक्स टैग किस तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है। हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द एच वन टू एच सिक्स टैग। जो हेडिंग होता है वो एच वन और एच सिक्स टैग से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जो एच वन टैग है वो डिफाइन करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। एच वन टैग डिफाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। जो एच वन टैग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग होता है उसको डिफाइन करता है। लेकिन जो लास्ट जो एच सिक्स टैग है वो डिफाइन करता है जो हेडिंग इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एच सिक्स टैग डिफाइन द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। एच सिक्स टैग क्या करता है, जो टैग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके लिए यूज़ किया जाता है। एच वन हेडिंग शुड बी यूज फॉर मेन हेडिंग। जो एच वन हेडिंग है वो मेन हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन देन द लेस इम्पॉर्टेंट एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन एच वन से जो आगे के टैग है जैसे एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव और एच सिक्स तक के जो भी टैग हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते। मीन एच वन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैग के लिए यूज़ किया जाता है, एच टू उससे नीचे, एच थ्री उसके नीचे और एच फोर उसके नीचे। जो लास्ट में एच सिक्स है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। द ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेस लाइक ए मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द हेडिंग। जब भी हम कोई भी हेडिंग HTML में लिखते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है कि जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र से पहले और ब्राउज़र के बाद में कोई ना कोई वाइट स्पेस ऐड कर देता है, जिससे कि हेडिंग थोड़ा अच्छा लगता है। यूज़र ऑफन रीड और यूज़ ए पेज बाय इट्स हेडिंग। यूज़र अक्सर ही जो पेज का डेटा है उसको हेडिंग के द्वारा ही ज़्यादातर रीड करता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ हेडिंग टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। जो हेडिंग का जो यूज़ करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल नोट है, यूज़ HTML हेडिंग फॉर हेडिंग ओनली। जो HTML हेडिंग है उसको सिंपली आपने हेडिंग के तौर पर यूज़ करना है, ठीक है। डू नॉट यूज़ हेडिंग टू मेक टेक्स्ट बोल्ड और बिग। आपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड और बिग करने, बड़ा करने के लिए है जो टैग हैं H1 से लेकर H6 टैग को यूज़ नहीं करना। तो जो H1 से लेकर H6 तक जो टैग हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के लिए यूज़ होने चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए या टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए इन टैग का यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको मैंने कुछ कोडिंग करके दिखाई है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और उसके बाद इसको ब्राउज़र में, सॉरी एडिटर में शो करते हैं, नोट पैड, ठीक है। इसको ओपन करें और यहाँ पर सारे के डाटा में पेस्ट कर, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग सेव करेंगे, सेव, यहाँ पर इसका नेम दे देते हैं हेडिंग। उसके बाद इसका एक्सटेंशन देना होता है, ठीक है। एक्सटेंशन क्या देंगे, HTML। जब हम HTML लिखेंगे तो ये ब्राउज़र की शेप में सेव होगा। अगर आप लोग इसे हेडिंग, जैसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, हेडिंग के नाम पर सेव करूँगा, ठीक है, डेस्कटॉप, तो क्या होगा, नोट पैड की फाइल सेव होगी यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब इसी फाइल को मैं सिंपली एक्सटेंशन दूंगा HTML, सेव एज,
हेडिंग डॉट एच टी एम एल, तो ये ब्राउज़र की शेप में सेव होगी। ठीक है, ये देखिए, अब इसको ओपन करें, ये देखिए जो एच वन टैग है वो इस तरह काम करता है और जो एच सिक्स टैग है वो इस तरह काम करता है। इस तरह सभी टैग यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एच वन, एच टू, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स। तो ये था प्रैक्टिकल। ठीक है, इस तरह आपने इसकी कोडिंग करनी है। ये सिंपली आपको जो टैग है हेडिंग के लिए यूज़ करने के लिए बताए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ब्राउज़र में इस तरह शो होगा आपको, और जो एडिटर है उसमें इस तरह शो होगा। ठीक है, जो भी आपके सामने डाटा शो हो रहा है ब्राउज़र में सिर्फ बॉडी टैग के अंदर है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा हेडिंग का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।